आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी के रण में दो पूर्व सीएम आमने सामने होंगे। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस सीट पर गुलाम नबी आजाद को टक्कर देंगे। जम्मू कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर घाटी में 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसी सीट से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद भी चुनावी मैदान में हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के आमने सामने आने से इस सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला बन गया है। सारा प्रेशर गवर्नमेंट का है कि क्योंकि महबूबा जी बात रखती है और मुद्दा यही है कि इट्स आइडिया टू साइलेंस द स्ट्रांगेस्ट वॉइस इन दिस रीजन। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रभावशाली गुर्जर नेता मियां अल्ताफ अहमद को इस सीट से मैदान में उतारा है। फिलहाल बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इसके अलावा पीडीपी ने श्रीनगर और बारामूला सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। श्रीनगर से वहीद पारा जबकि पूर्व राज्यसभा सदस्य मीर फयाज को बारामूला से चुनावी मैदान में उतारा गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी जम्मू क्षेत्र की 2 सीटों उधमपुर और जम्मू में कांग्रेस का समर्थन करेगी। तो दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री इस बार लोकसभा चुनाव में आमने सामने होंगे। परिणाम क्या होते हैं, किसके पक्ष में होते हैं, देखना होगा।